नमस्ते नमस्ते। हाँ टीवी देखने आए हैं आप लोग हैं? बैठिए बैठिए बैठिए। और रजिया ठीक ठाक है सर? हैं और टुल्लू? बोलिए बैठो भैया टुल्लू। हाँ क्या हाल है भाई अम्बरीश? हाँ जी दादाजी ठीक है आप? हाँ दादाजी। पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं खूब आजकल? हाँ दादाजी। हैं? हाँ दादाजी। हाँ कहानी देखने की बड़ी इच्छा है। लो अभी देखो कहानी दिखलाते हैं सबको। हाँ बच्चों तो तुम लोग तैयार हो टीवी देखने के लिए, कहानी देखने के लिए? अच्छा भाई अम्बरीश जाओ तुम टीवी ऑन करो जरा। आज हम लोग एक कहानी देखेंगे, मुर्गा और लोमड़ी। इस कहानी को ध्यान से देखना और फिर बताना कि मुर्गा समझदार है या लोमड़ी। मुर्गे भाई मुर्गे भाई, तुम डाल पर क्या कर रहे हो? तुम्हें तो जमीन पर चलते फिरते रहना चाहिए। भाई नीचे उतर आओ। लोमड़ी बहन, मैं यहाँ जंगल के खूंखार जानवरों के डर से बैठा हूँ। नीचे आऊँगा तो सबसे पहले तुम ही मुझे खा जाओगी। मैं तो पेड़ पर ही ठीक हूँ। अरे मुर्गे भाई, तुम किस जमाने की बात कर रहे हो? लगता है मुर्गे भाई तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। क्या हुआ लोमड़ी बहन? बहुत खास बात हुई है। क्या? आज का सबसे बड़ा समाचार तुमने नहीं सुना? नहीं तो? सभी पशु पक्षियों में समझौता हो गया है। समझौता? कैसा समझौता? कि अब कोई किसी पर हमला नहीं करेगा। ये तो वास्तव में दुनिया का सबसे अच्छा समाचार है। क्या देख रहे हो मुर्गे भाई? कुछ नहीं, पता नहीं क्यों लग रहा है कुछ कुत्ते तेजी से इधर ही आ रहे हैं। मुर्गे भाई क्या इधर ही आ रहे हैं? हाँ लगता तो कुछ ऐसा ही है। अरे अच्छा क्षमा करना मैं चली। सुनो लोमड़ी बहन तुम क्यों जा रही हो? तुम्हें क्या डर है? पशुओं पक्षियों में तो ये समझौता हो गया है ना कि अब कोई किसी पर हमला नहीं करेगा। ये सच है मुर्गे भाई, परंतु लगता है कुत्तों ने अभी यह समाचार नहीं सुना है। हाँ बच्चों, अच्छा बच्चों ये कहानी कैसी लगी तुम लोगों को? बहुत अच्छी लगी। अच्छा इस कहानी से हम तुम लोगों से कुछ सवाल पूछें तो उसका उत्तर दोगे? टुल्लू हाँ, तो हम सबसे पहले तुम ही से पूछते हैं। बताओ मुर्गा कहाँ बैठा था? पेड़ की डाल पर। तो पेड़ की डाल पर, बिल्कुल सही बतलाया। अच्छा भाई अम्बरीश ये बताओ कि लोमड़ी ने मुर्गे को कौन सा समाचार सुनाया था? लोमड़ी ने मुर्गे को ये समाचार सुनाया कि सभी पशु पक्षियों में समझौता हो चुका है। क्या समझौता हो चुका है? अच्छा भाई तुम ये बताओ कि क्या समझौता हुआ था सविता जी? दादाजी ये समझौता हुआ था कि अब सब में से कोई भी किसी पर हमला नहीं करेगा। हाँ शाबाश। अच्छा रजिया ये बताओ कि ये समझौते की क्या मानी होते हैं? समझौते का अर्थ है किसी बात को तय करना। अच्छा शाबाश, किसी बात को तय करना और उस बात उसके आपस में उसी तरह का व्यवहार करना, समझ गए? अच्छा अब ये आप बताएं कि मुर्गा समझदार था या लोमड़ी? नहीं मालूम, तुम बताओ भाई मुर्गा समझदार था लोमड़ी? लोमड़ी समझदार था। लोमड़ी कैसे समझदार थी? भाई लोमड़ी तो बहुत चालाक मक्कार झूठी और धूर्त होती है। अच्छा ये बताओ मुर्गा कैसे समझदार था? दादाजी मुर्गा ऐसे समझदार था कि वो लोमड़ी की बातों में नहीं आया। हाँ शाबाश, बिल्कुल ठीक बताया है। तो लोमड़ी जो है ये बताओ रजिया वो दुम दबा कर क्यों भागी थी? क्योंकि वो अपनी जान बचाना चाहती थी।
क्यों जान बचाना चाहती थी? क्योंकि कुत्ते आ रहे थे। कुत्ते आ रहे थे, किसने बताया था? मुर्गे ने। मुर्गे ने, मुर्गे ने देखा और लोमड़ी से क्या कहा? कुत्ते आ रहे, कुत्ते आ रहे हैं। और लोमड़ी जो है वो दुम दबा के भाग गई। क्यों भागी? अपनी जान बचाने के लिए। समझे भाई? तो इन दोनों ने अपनी अपनी समझदारी से दोनों ने अपनी अपनी जान बचाई। बचाई? हाँ। तो अब जो है हम लोग फिर कल मिलेंगे, कल एक दूसरी कहानी देखेंगे। सब लोग आओगे तुम लोग? हाँ दादा जी। शाबाश। मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल के तले, शीतल छाया है माँ तेरे आंचल के तले। ये शब्द किसी ने यूं ही नहीं कहे, इनमें गहरी सच्चाई है। आज मैं जो यहां आया हूं और बच्चों तुम जो टुकुर टुकुर मेरी तरफ देख रहे हो, हम सभी को हमारी मां ने ही पाल पोस के बड़ा किया है। और आज भी हमारा बस चले तो हम उसी की गोद में जाकर सोएं। भाई हमारे जीवन की पहली शिक्षिका हमारी मां ही होती है, जो पल पल पर हमारी हर जरूरत का ध्यान रखती है और अपने हर सुख को भूलकर बस बच्चे के सुख के लिए ही जीती है। वो मां जो ये चाहती है कि उसका बच्चा कभी भूखा ना रहे, हमेशा हंसता खेलता रहे। वो ये भी जानती है कि स्वस्थ तन और मन के लिए अच्छी नींद का होना बहुत ही जरूरी है। आज सारे भारत में सभी जगहों पर माएं अपने अपने नन्हे मुन्नों को अपनी अपनी भाषा में लोरियां गा गा कर सुनाती हैं, और चुलबुले नन्हे मुन्ने न जाने कब सपनों के संसार में खो जाते हैं, इसका उन्हें पता भी नहीं चलता। और मां उनके सोने के बाद भी उनका ध्यान रखती है कि कहीं जग ना जाए। तो ये था मां की लोरी का पहला पाठ जो हम सभी ने पढ़ा। तो आओ बच्चों एक बार फिर याद करें मां की लोरी का वो पहला पाठ और खो जाएं मां की ममता भरी छांव। भोजपुरी लोरी है, एक ओर गायिका इसे गाकर झूम रही है तो दूसरी ओर एक माँ अपनी नन्ही मुन्नी को सुलाने का प्रयत्न कर रही है।